सब लोग मेरे को SMS कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि ये बैटरी कैसे बनाए। ये बैटरी बनाने के लिए कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आपका डस्टबिन में जो पड़ा हुआ बैटरी है, जो ख़राब बैटरी है, वो सबको उठा लीजिए। कोई भी बैटरी हो, चाहे मोबाइल का बैटरी हो, कुछ भी बैटरी हो, सैमसंग का बैटरी हो, मोबाइल का बैटरी हो, या कुछ भी ख़राब बैटरी हो जो पड़ा है डस्टबिन में, ये सब उठा लीजिए। या पावर बैंक का बैटरी हो, कुछ भी बैटरी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि मोबाइल का जो भी बैटरी है, ये सिर्फ क्या होता है ये देख लीजिएगा। मोबाइल का जो भी बैटरी है, ये सिर्फ आपका क्या है, एक मिनट आपको हम देखने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये देख लीजिए, 4.2 वोल्ट। ठीक है, ये नॉर्मली 3.7 वोल्ट होता है चार्ज रहने से, 4.2 वोल्ट, तो 4.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सब बैटरी भी 3.7 वोल्ट का है, 3.7 वोल्ट का ये भी बैटरी है, ये भी 3.7 का है, ये भी 3.7 का है। कोई भी बैटरी लीजिए, नॉर्मली वो 3.7 ही रहता है, और फुल चार्ज होने से 4.2 वोल्ट रहता है। ठीक है, तो आप करना क्या है दोस्तों, ये जो बैटरी है, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल का बैटरी है, ये मोबाइल का बैटरी है, तो हमको क्या करना है, ये जो बोर्ड है, मोबाइल का जो बोर्ड है, बैटरी का जो बोर्ड रहता है, ये बोर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड को निकालना पड़ेगा आयरन से। आपको जैसे हम निकलेगा, इसी तरह से आपको भी निकलना पड़ेगा। ये देखिए, ये देख लीजिए, जैसे हम निकल दिया है बैटरी को, बोर्ड को निकल दिया है। ठीक है, तो इसी तरह ये सब बैटरी का भी ऐसे भी ये कर सकता है आप लोग। ये जो बोर्ड रहता है, इस यहाँ पे बोर्ड, इसको निकल के फेंक दीजिएगा, और सिर्फ सेल्फ इसका लीजिएगा। लेने का बाद आपको क्या करना है, एक बैटरी में उतना ताकत नहीं रहता है, क्योंकि जो चीज़ ख़राब होता है वो उसको जलाने के लिए एक बैटरी से नहीं जलता है भैया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो या तो तीन या तो चार या तो पाँच या तो छः या तो दस, जितना भी बैटरी हो सके आप लगा सकता है। मिनिमम थ्री बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे 10 बैटरी लगाए, 20 बैटरी लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल में जितना भी सारे मोबाइल रहता है, वो मोबाइल 4.2 वोल्ट से ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनाया है। जितना भी पार्ट्स है मोबाइल का, ये सारे जितना भी कैपेसिटर है, ये सारे जितना भी कैपेसिटर है सब 4.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है। तो ये मोबाइल, एक मोबाइल कितना वोल्ट में चलता है, 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक एक मोबाइल चलता है, चाहे जो भी मोबाइल हो, एप्पल का हो, कुछ भी मोबाइल हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो एक कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा लगभग, और 10-12 कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक एक करके सबको निकलना पड़ेगा, कौन सा ख़राब है, फिर बैठाओ, ब्लोअर से एक टू निकालो फिर बैठाओ, इसे चेक करो। तो ये काम आसान करने के लिए हम नया तरीका लेके आया है, ये बैटरी। तो ये बैटरी जो है हम पहले ही बना दिया है, और इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज करने के लिए एक तो नॉर्मली चार्जर काट के ये माइनस में माइनस वाला लगा दीजिएगा, प्लस में प्लस वाला लगा दीजिएगा, आधा घंटा एक घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, और जो हम बोल रहे हैं, जो मोबाइल शॉर्ट है, वो मोबाइल में
अब ये बैटरी इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। माइनस में लगाना है ये काला वाला, और प्लस वाला प्लस में लगाना है। बैटरी पॉजिटिव बैटरी कलेक्शन का वहाँ पे प्लस में लगाना है। जो भी कैपेसिटर ख़राब होगा, चाहे जो भी आईसी ख़राब होगा, वो तुरंत जल जाएगा, वो तुरंत जल जाएगा, वो रहेगा बोर्ड में रहेगा नहीं। कोई कोई तो ऐसा होता है, कोई कोई कैपेसिटर ऐसा होता है वो जल के ऑटोमेटिक निकल जाता है, बोर्ड से निकल जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बैटरी जैसे हम बैटरी ये पावर बैंक का बैटरी निकल के हम बनाया है इसी तरह से। आपका पास अगर पावर बैंक का बैटरी नहीं है तो आप लोग ये नॉर्मली मोबाइल का बैटरी निकल के आप लोग कर सकता है। लेकिन दोस्तों मोबाइल का जो बैटरी में जो बोर्ड रहता है, जो बोर्ड रहता है वो बोर्ड को निकलना पड़ेगा। जैसे ये बोर्ड को मैंने निकल दिया है, ये बोर्ड को निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद इसमें मीटर में चेक कर लीजिएगा प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। ठीक है, जैसे हम ये चेक करके दिखाएगा आपको, ये देख लीजिए, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे एक लाल तार लगाना है, यहाँ पे एक ब्लैक तार लगाना है। ठीक है, तार लगाने के बाद सेम टू सेम इसी तरह एक तो बैटरी बनाना है। हाँ, चाहे मोबाइल का बैटरी से कर सकता है, दूसरा कोई बैटरी से भी कर सकता है। जैसे ये बैटरी आपका हमेशा देखेगा चार्ज 3.7 से लगे 4.2 वोल्ट का अंदर में ही रहेगा। जैसे ये है 3.7, ठीक है, तो ये बैटरी से ये जो फुल शॉट मोबाइल है ये सब हट जाएगा, ठीक हो जाएगा, फुल शॉट ठीक हो जाएगा। तो आप ये बैटरी को बना लीजिए, जल्दी से जल्दी बना लीजिए, हर काम में आसान होगा, 100% आप लोग काम में सक्सेस होगा फुल शॉट का। मैंने जो भी वीडियो कर रहा है फुल शॉट का ऊपर ही कर रहा है, क्योंकि ये फुल शॉट का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग का सबसे बड़ा हथियार यही है, मोबाइल में जो काम कर रहा है, मोबाइल का काम जो कर रहा है, सबसे बड़ा हथियार ये बैटरी है। अब ये आसानी से चार्ज भी कर सकता है और इससे काम भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, करते रहो।